हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VBSAORG पर। और आज हम डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस को, जो हम 2 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं। आज उसके तीसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये एक C++ 14 और 17 में ये फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसके बारे में इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं, अब हम इसके बारे में कुछ और स्टडी करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो, कैसे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की जा सकती हैं इसमें वैल्यूज़, तो उसके आगे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंटेनर्स होते हैं हमारे एसटीएल के अंदर, उन एसटीएल के कंटेनर्स के अंदर हम उसको जो एल्गोरिथम्स यूज की जाती हैं उन कंटेनर्स पे इटरेट करने के लिए, उन एल्गोरिथम्स को कैसे यूज कर सकते हैं विथ लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने फिर वही अभी इस्तेमाल किया है, GDB ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर यूज किए हैं। वेक्टर के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट ऑल अबाउट दी एसटीएल और वेक्टर्स। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज कैसे किए जाते हैं उन एल्गोरिथम्स पे जो कंटेनर्स पे काम करते हैं। एल्गोरिथम्स भी होता है एसटीएल के अंदर, एल्गोरिथम्स कंटेनर्स, ये दो चीजें। तो इसमें जो एल्गोरिथम्स वाला पार्ट है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम्स में हम फंक्शंस यूज करते हैं, यूनरी प्रेडिकेट्स यूज करते हैं, बाइनरी प्रेडिकेट्स यूज करते हैं। यूनरी प्रेडिकेट्स वो होते हैं जो कि एक आर्गुमेंट लेते हैं और बेस्ड ऑन द कंडीशन वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रेडिकेट लिखा हुआ है, ये टेम्पलेटाइज नहीं है, ये सिंपल है। ये इंटीजर लेता है, एक वैल्यू लेगा इंटीजर, और ये सिर्फ हमें ये बताता है कि जो वैल्यू हमने पास की है वो वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बूल रिटर्न किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न ए इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने वेक्टर को यूज किया है, वेक्टर डिक्लेयर किया है, एक इंटीजर टाइप का वेक्टर है ये, इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर करेगा। इसमें मैंने 4 वैल्यूज स्टोर कराई है, 12, 4, 5, 7, और अगर हम चाहें तो इसमें एक वैल्यू और स्टोर करा देते हैं, वी डॉट पुश बैक, यहाँ पर 17 डाल देते हैं। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या किया है, इटरेटर यूज किया है इस वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इटरेट करने के लिए, सो दैट एक बार हम प्रिंट करा के देख लें कि सारे एलिमेंट्स हम इटरेट कर पा रहे हैं या नहीं। बट बेसिक पर्पज मेरा यहाँ इस फॉर लूप को यूज करने का ये है कि आप ये जो तरीका देखते हैं इटरेट करने का वेक्टर्स को, ये पुराना तरीका है। C++ 14, 17 आने के बाद यहाँ पर ऑटो कीवर्ड जो ऐड हो गया है उसने इस इटरेशन को बहुत सिंपल बना दिया है, और बेसिकली आपको ये सिंटैक्स, ये सिंटेक्टिकल एरर होने की अब ये मिस्टेक बहुत कम कर दी है। आप अगर यहाँ पर देखें, अभी मैं ये दो लाइनें कमेंट कर दे रहा हूँ सो दैट मैं आपको सिर्फ ये दिखा पाऊँ कि किस तरीके से हम इटरेट करते थे पहले और किस तरीके से वैल्यूज हमारी प्रिंट होती थी। तो मैं अगर इसे रन कराऊँ, मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ कमेंट कर दिया, सिर्फ ये छोड़ा है जहाँ पे मैं इटरेट कर रहा हूँ, और जहाँ पर मैं एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ वेक्टर के अंदर। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12, 4, 5, 7 एंड 17, ये सारी वैल्यूज जो मैंने इसमें पुश बैक की थी वो सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराई हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने यूज किया ये ओल्ड वे है, जो C++ 19 और C++ 11 के टाइम में यूज हो रहा था। बट ऑटो कीवर्ड इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बहुत ही सिंपल हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा आप कमेंट कर दो नीचे, मैं फिर से इसको इटरेट करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि हाउ Easy it became after auto keyword was introduced in C++ 14. So let's start. यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, for auto, और यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी, i दे दी, जिसके अंदर मैं इसके वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन स्टोर करता जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं देना, सिर्फ एक वैल्यू देनी है i, जिसके जो कि एक टेम्पररी प्लेस होल्डर होगा, और v होगा मेरा कंटेनर। यही तरीका होता है इसको इटरेट करने का थ्रू ऑटो कीवर्ड। ऑटो लिखोगे आप वैल्यू, एक वेरिएबल दोगे जो कि एक टेम्पररी प्लेस होल्डर होगा, और उसके आगे कोलन लगाओगे, कोलन के आगे आप नाम लिखोगे उस कंटेनर का जिसमें कि सारी वैल्यूज स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको वैल्यू को दे दिया यहाँ पर फॉर ऑटो आई कोलन वी, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे सी आउट ई एन रियल फॉर एंड ऑफ लाइन, सो दैट मैं अगली लाइन में प्रिंट करा पाऊँ। यहाँ पे सिर्फ वो जो टेम्पररी प्लेस होल्डर था जिसमें कि वो वेक्टर से वैल्यूज इटरेट करते समय यहाँ पर फिल की जाएंगी, उन वैल्यूज को मैं वन बाय वन यहाँ प्रिंट कराता जाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा कोड रिप्लेस हो गया, और आप यहाँ पे सिर्फ इतने से में अपना काम चला पा रहे हो। तो इसको कंपाइल और बिल्ड करके देखते हैं, रन करा के देखते हैं, तो आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे वही आउटपुट आया जो कि पहले आ रहा था जब हमने पुराना तरीका यूज किया था, जहां पे हम इटरेटर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फिर उसको वी डॉट बिगिन और टिल द वी डॉट एंड, यानी जब तक वेक्टर का एंड ना आ जाए हमारे कंटेनर का, तब तक हम इटरेट करते थे और वन बाय वन एस्ट्रिक आई टी आर करके इसको प्रिंट कराते जाते थे।
तो इसको हमने टोटली रिप्लेस कर दिया ऑटो से। तो ऑटो कीवर्ड का एक ये यूज भी आप जान गए। सिर्फ और सिर्फ वेक्टर नहीं, आप अगर चाहो तो कोई अगर सिंपल एरे भी लेते हो ना, अगर इसकी जगह मेरा एक एरे होता है इंटीजर का जिसमें 5 या 6 एलिमेंट होते, और मैं उसके साथ भी यही करता, ऑटो आई एंड देन उस एरे का नाम और यहाँ प्रिंट कराता, तो उसे भी ये ट्रेड कर लेता। ये इतना स्मार्ट है, ठीक है। तो इसने बहुत ही ईजी कर दी है प्रोग्रामर्स की लाइफ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उसको बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा कुछ समय बाद, तो डेवलपर्स ये हो सकता है भूल ही जाए। बट हाँ, ये बेसिकली एक अच्छे प्रोग्रामर को ये चीज पता होनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो ये चीज आपको अभी भी, इनफैक्ट हमेशा आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपने वेक्टर या अपने कंटेनर्स बना करके उस पे अपने खुद के इटरेटर बना करके देखने चाहिए कि हाउ दे वर्क, ठीक है। तो ये तो हुई बात इटरेटर्स की। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि हम कैसे यूज करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस को। बट लैम्डा एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगा कि किस तरीके से एल्गोरिथम्स यूज होते हैं और किस तरीके से फंक्शन पॉइंटर्स हम उन एल्गोरिथम्स में पास करते हैं, जो कि यूनरी प्रेडिकेट टाइप के होते हैं, जो कि एक आर्गुमेंट लेते हैं और बेस्ड ऑन द कंडीशन वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ऐसा ही एक एल्गोरिथम है काउंटएफ, ठीक है। काउंटएफ मैंने एक एल्गोरिथम जो यूज किया हुआ है, वो उसके लिए एल्गोरिथम हेडर फाइल आप यूज करते हो, ये हैश इंक्लूड एल्गोरिथम आपको करना होगा। यहाँ पे मेरा पर्पज ये है कि मैं उन एलिमेंट्स को ही काउंट करूं जो कि 5 से बड़े हैं। मेरे पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर में इतनी वैल्यूज डाली हैं, बट मुझे उनकी काउंट निकालनी है, उन एलिमेंट्स की काउंट निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं जो कि 5 से बड़े हैं, ठीक है। तो ये काउंटिफ जो एल्गोरिथम है उसे 3 आर्गुमेंट्स चाहिए। पहला तो आर्गुमेंट ये है कि कहां से बाउंड्री शुरू होती है आपके कंटेनर की, यानी वी डॉट बिगिन। आपकी बाउंड्री शुरू होती है वी डॉट बिगिन से, आपकी बाउंड्री खत्म कहां होती है वी डॉट एंड से। और उसके बाद जो तीसरा आर्गुमेंट होता है वो एक फंक्शन पॉइंटर लेता है, ये एक ऐसा फंक्शन पॉइंटर जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनरी प्रेडिकेट की जरूरत होती है काउंटिफ में। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक आर्गुमेंट लेने वाला फंक्शन देते हो, और वो एक आर्गुमेंट लेने वाला फंक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है इज ग्रेटर देन 5। यहाँ कंडीशन लगा रखी है इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 जो एलिमेंट होंगे इस वेक्टर में, सिर्फ उन्हीं को काउंट करो और के में स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है काउंटिफ, ये बेसिकली एक फंक्शन है, इसके अंदर एक एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड होगी जो कि इसको इस ग्रेटर देन 5, जो भी ग्रेटर देन 5 होंगे एलिमेंट्स इस वेक्टर के अंदर, उनको काउंट करेगा और उनकी काउंट को रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ के में स्टोर हो जानी चाहिए वो नंबर ऑफ काउंट सिस्टम, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 5 से बड़े हैं इस वेक्टर के अंदर। तो वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स होंगे ऐसे, क्योंकि जो 3 एलिमेंट्स है 12, 7 एंड 17, यही 3 एलिमेंट्स हैं जो कि 5 से बड़े हैं। इसलिए होगा क्या कि यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर ये इटरेशन वाला पार्ट हटा देता हूँ, इसको उड़ाई देता हूँ, सब कुछ उड़ा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे और उसके बाद लैम्डा से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसको वो हम देखेंगे। सो लेट्स रन इट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये सही काम कर रहा है। ये तो हुआ एक फंक्शन पॉइंटर के थ्रू, जो कि एक यूनरी प्रेडिकेट फंक्शन है, जो कि एक आर्गुमेंट लेता है और बेस्ड ऑन द कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब हम इसकी जगह यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको पूरा हटा दो, ठीक है। अब हटाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन जो हमारा लैम्डा फंक्शन है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है सिंबल कि हम एक लैम्डा फंक्शन या एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं इंटे, वो दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न A is greater than 5, ठीक है। यहाँ पे लगाया सेमीकॉलन, और बाकी तो सेमीकॉलन लगा ही है, यहाँ पर आपको सेमीकॉलन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसी फंक्शन के अंदर यूज किया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, वही सब कुछ है, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, बाउंड्री दे दी, उसके बाद हमने जो हमारा फंक्शन है जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे दे दिया। ये इंडिकेशन होता है लैम्डा एक्सप्रेशन की शुरुआत का, ये है जो आर्गुमेंट इसमें पास किया जाएगा, और इसके अंदर लिखा हुआ है एक्चुअल लॉजिक जो कि हमने पहले लिखा था इस ग्रेटर देन 5 का, और ये भी वही काम करेगा जो वो कर रहा था। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड फंक्शन हम यूज कर रहे थे अपना बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं था वो, हमारा बनाया हुआ फंक्शन था एक्चुअली, वो एक यूनरी प्रेडिकेट था जो कि एक आर्गुमेंट लेता है और बेस्ड ऑन द कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। उसकी जगह हमने ये लैम्डा फंक्शन यूज कर लिया है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप यहाँ बूल नहीं भी देते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप बूल नहीं भी देते हो तो भी ये ऑटो डिडक्ट कर लेता है,
हमारा सी प्लस प्लस 14 17 में जो ये इंट्रोड्यूस हुए हैं लैम्डा, उसमें ये खूबसूरती है कि वो ऑटो डिडक्ट कर लेता है रिटर्न टाइप को, ठीक है, उसे भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना करके देख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन 3 रिटर्न करता है या नहीं, या फिर कोई कंपाइलर एरर देता है। लेट्स सी, तो इसने फिर हमें सही रिजल्ट दिया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, यहां पर आप देख सकते हो। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहां बताया आपको कि यहां पर अगर आप इस भूल को हटा भी दो तो भी ये क्या करेगा, ये आपको सही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि C++ 14 17 में ये ऑटो डिडक्ट कर लेता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा बेस्ड ऑन जो रिटर्न कंडीशन हमारी लिखी होती है, ठीक है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं, अगेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो हमारा रिटर्न टाइप अगर आप नहीं देते हो, कई बार अगर आपसे कहीं पूछा जाता है, कोई भी पूछ लेता है कि हाँ रिटर्न टाइप तो दिया नहीं, हाउ इट डिडक्ट्स, देन यू कैन टेल देम कि C++ 14 और 17 में ये फीचर आ चुका है कि इट ऑटो डिड्यूसेस द रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दीज लैम्डा फंक्शंस व्हेन यू यूज देम विद द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। सो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ भी आपको कम लगता है वो बताइए, अच्छा बुरा जो भी हो वो बताइए, एंड देन आई विल make it more good for you, better for you. So basically, मैं इसको और अच्छा बना पाऊंगा, तो आप इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या लगा आपको, कैसा लगा, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप ऑब्वियसली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। ओके, सो लेट्स मीट अगेन सून। सो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।